Reaction TV. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं नबी मोहम्मद आउटी एकदम गाउटी आपका साथी, आपका हमदर्द, आपका चाहने वाला आज फिर कुछ दिनों के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हुआ। वो इसलिए कई लोग फ़ोन करके कहते थे कि नबी भाई क्या बात है, आप वीडियो नहीं बना रहे, ऐसी क्या बात है जो वीडियो नहीं बना रहे आप। मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ खबर नहीं है तो कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बोलूँ, कुछ हो तो मैं बात करूँ, ज़बरदस्ती आए दिन वीडियो बनाऊँ और जो बातें पहले हो चुकी उसको वापस दोहराऊं तो मज़ा नहीं आता। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहने के लिए इस वक्त आया हूँ। आप लोगों ने देखे हैदराबाद में जो जेसी की तारीख बढ़ी, 28 तारीख थी, जो 28 तारीख फरवरी थी वो पहुँच गई 14 मार्च तक, उससे पहले 12 मार्च तक पहुँची है एक जेसी, दो जेसी वहाँ पर निकल चुकी है नामपल्ली और रंगारेड्डी कोर्ट में, और मुंबई में 16 मार्च तक हेरिंग की पहुंची है जो आपा की हेरिंग थी। अब 16 तारीख को आपा आते हैं या नहीं आते ये मैं नहीं जानता, आने वाले वक्त बताएगा। और बात रही आपा की आने की नहीं आने की जल्दी, ये भी मैं नहीं बता सकता, जल्दी आने की नहीं आने की ये मैं नहीं बता सकता। बाकी आपा ज़रूर आएगी, आपा आएगी ज़रूर, कौन से दिन कभी ये मैं नहीं बता सकता। और आपके पैसे हमारे पैसे समझना, हमारे पास ही है, हमारे पास सेफ है, लकड़ी में दीमक लगेगी लेकिन पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, इतना गारंटी है। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को कहीं भी ऐसी बातों से अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए जो व्हाट्सएप ग्रुप में हो रहा है, जो चल रहा है, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए शैतान अपने लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा है ताकि आप गाली दें, आप गलत बात करें, आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कहता हूं आप लोगों को, जितने मेरे इन्वेस्टर भाई, मेरे साथी, जितने हम सब साथ वाले हैं, जो आपा के साथ हैं, कंपनी के साथ हैं, जो कंपनी के मेंबर हैं, उन लोगों को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए ताकि आप गलती में ना आए। ये ऐसे काम हो रहे हैं तो जितने भाई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो बना के जो बयानबाजी करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि ऐसी बातों से बचो, शैतान के बहकावे में मत आओ, क्योंकि वो शैतान ने कई आदमियों को, कई महिलाओं को, लेडीज़ को उस काम पे लगा दिया है। और भाई मेरे, आप खुद समझदार हैं हमें क्या कहना और क्या नहीं कहना, तो मेरे भाई ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। और एक बात है, आए दिन सुबह शाम एसोसिएशन यही चल रहा है, पूना का एसोसिएशन का काम कर रहे हैं पौले साहब, साउथ पौले भाई, और धारावी से एक साहब आते हैं, मौलाना साहब हैं, वो कहते हैं मैं भी बना रहा हूँ एसोसिएशन, बहुत अच्छी बात है। और कोई महिला ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप में, मैं एसोसिएशन बना रही हूँ। और चौथा ऑलरेडी मुंबई में एसोसिएशन है, चार और कितने बनेंगे, कितने दुकानें खुलेंगी, क्या दुकान खोलने की प्लानिंग करके रखें? ये क्या है, ये परचून की दुकान है या किराना की दुकान है या क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। हर एक इंसान खड़ा होता है मैं बनाऊंगा। अरे भाई, आप लोग क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हो, अपना क्यों मजाक बना रहे हो?
और पूना के लिए जो काम कर रहे हैं पावले साहब, एक ही चीज़ कहते हैं, बहुत क्रिटिकल मामला है, बहुत मुसीबत है, बहुत मुसीबतें आ रही है, आने वाले दिन मुसीबतें आने वाले। कैसे मालूम आपको, किस तरह से पता है आपको, कैसे मालूम हुआ आपको कि मुसीबतें आएगी? और आप लोगों को पैनिक कर रहे हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं। पावले साहब, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी बातों में वही नज़र आ रहा है जो आप नसीहत का वीडियो जब बनाते थे उसी में भी वही था, भड़काना उकसाना लोगों को। और मेरे भाई, लोग एसोसिएशन ज्वाइन करना नहीं चाहते तो आप क्यों ज़बरदस्ती करते? मैं भी जुड़ूंगा, लेकिन अब नहीं, जब जुड़ना है तब जुड़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपको काम करके दिखाना होगा, आपा के लिए, आपा की कंपनी के लिए, हमारे लिए काम करके पहले दिखाना होगा। कहीं वैसा ही हाल होगा जो आज उस शैतान के साथ में लोग जुड़े हैं हैदराबाद में, जुड़कर वो कहता था एक टाइम मैं एक महीने में पैसे दिलाऊंगा, चार महीने हो गए पैसे नहीं मिले उन्हें, आज वो भी परेशान है। क्या आप चाहते हैं हम ऐसे ही परेशान हो जाए, सब पे भरोसा करें? आप हमें क्या अश्योरेंस देंगे, क्या गारंटी देंगे कि आप इस 100 रुपये में ही पूरा काम करेंगे, कि आने वाले समय में क्या आप नहीं कहोगे? मेरे भाई, कोर्ट में इतना आसान नहीं है। आप कहते हैं वहां सिर्फ पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसा ही खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है वो समय बताता है, तो हम कैसे भरोसा करें आपके ऊपर, किस हिसाब से आपके साथ चले? तो मेरे भाई, मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोगों को ना उकसाएं, ना भड़काएं। अगर आपने 10,000 लोगों को जोड़ा है तो मैं कहता हूं 10,000 को लोगों को लेकर आपको काम करके दिखाना होगा, ताकि हमें भी भरोसा हो जाए, ये 2,00,000 लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। आपने जब काम किया तो आपकी कमेटी ने कितने लोगों को जोड़े होंगे? आप कमेटी ने जोड़े होंगे तो टोटल जमा कीजिए कितने लोग हो गए, वो लोग को लेकर आपको काम करना चाहिए, और ताकि बाकी के लोग भी आपके साथ में जुड़े। आज तक आपने क्या किए, किसे सजा दिलाए, किसके लिए, किसके खिलाफ आपने काम किए? और हमारे खिलाफ जो काम कर रहे हैं लोग, जो शैतान कंपनी के खिलाफ जो चल रहे हैं, आपने उनके लिए क्या क्या किया, उनके खिलाफ क्या काम किया, आपा के सपोर्ट में क्या किया, डी फ्रीज के लिए क्या किया, ये आपको बताना होगा। आपको हमारा दिल जीतना है, हमें आपके एसोसिएशन में लेना है, तो आपको ये बताना होगा। आए दिन एक एक खड़े हो रहे हैं कि मैं एसोसिएशन बनाऊंगा, लेकिन आप लोग किस तरह से भरोसा दोगे? लोग बेवकूफ़ नहीं है मेरे भाई कि आपकी बातों में आएंगे या मेरी बातों में आएंगे, लोग सब समझदार हो चुके हैं। मैं यही कहता हूं, जितने भी इन्वेस्टर भाई हैं, जितने भी हमारे जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, जो खड़े हैं कंपनी के साथ, आपको सब्र और समझदारी से काम लेना होगा। जब तक आपकी समझदारी, आपके होश हवास से नहीं काम करोगे तो आप मुसीबत में आओगे, आप परेशान हो जाओगे। मैं नहीं कहता कि मेरी बातों में आना है आपको, मैं नहीं कहता कि हरों की बातों में आना है। आज वीडियो बनाने से कोई समझदार नहीं हो गया, कोई मैं आपको दिमाग नहीं दिया, ये मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच से बात कर रहा हूँ, मेरे अपने दिमाग से बात कर रहा हूँ, लेकिन इन बातों में आपको अच्छा ही क्या मिल रही है और क्या गलत मिल रहा है वो आपको सोच के अपने पास रखना है। मेरे भाइयों, आज लोग परेशान हैं, हर घर परेशान है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को, दूसरों को और परेशानी ना दें और दिमाग में टेंशन ना दें। अगर मैं इसलिए आज मैं खामोश हूँ क्योंकि आपा के खिलाफ आज तक 1 रुपये का भी सबूत नहीं मिला, आपा के खिलाफ 1 रुपये का सबूत नहीं मिला, तो मैं क्यों जाऊँ एसोसिएशन में, किस लिए जाऊँ, कौन सी वजह से जाऊँ, मुझे वजह बताओ। मुझे भरोसा है आपा के ऊपर, एक दिन आपा बाहर जरूर आएगी और इंशाल्लाह जरूर हमारे पैसे मिलेंगे, हमारे पैसे आपा के पास सेफ है, हमने आपा को पैसे दिए हैं, हम आपा से ही पूछेंगे, ना हीरा विक्टिम से पूछेंगे, ना हीरा एसोसिएशन से पूछेंगे। वो समय आ गया तो हम पूछेंगे, जब समय आ गया तब हम पूछेंगे। अभी तक आपा गिल्टी नहीं है, आपा कसूरवार नहीं है,
आपा गुनेगार नहीं है, आपा के खिलाफ गुनाह साबित नहीं हुआ है, तो हम क्यों परेशान होंगे, यह हमें सोचना होगा। तो मेरे भाइयों, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, जितने लोग हैं, आप सभी लोगों ने यह भी देखा है, मुंबई की मीटिंग में एसोसिएशन ने भी देखा हुआ है, हर एसोसिएशन ने, हर मेंबर ने देखा है कि हम एक साथ हैं और साथ में रहेंगे, इंशाल्लाह साथ में चलेंगे, आपा के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हम कभी भटकेंगे नहीं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम कभी रुकेंगे नहीं, हम अपने हौसले को ऐसे ही बरकरार रखेंगे, अपना साथ ऐसे ही देंगे। जो हम लोगों ने मीटिंग रखे थे, ये आप लोगों को मालूम है, ये आप लोगों की ताकत है, ये आपकी तादाद, ये आपकी ताकत है, ये आपकी हिम्मत है, ऐसे ही आपको साथ में खड़े रहना है, हम सबके, हम एक दूसरे को साथ में मिलकर चलना है, तो हम रहेंगे।